कहते हैं कि अगर सपनों में जान हो तो हर कामयाबी आपके कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही मजबूत हौसलों के साथ खंडवा की एक दिव्यांग लड़की ने गांव वालों के ताने से परेशान होकर न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की बल्कि सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। अब लड़की ने गांव वालों को धन्यवाद कहने के लिए गांव में जश्न का आयोजन करने की ठानी है, क्योंकि अगर गांव वाले ताने ना मारते तो लड़की पटवारी की नौकरी हासिल करने की ना ठानती। हरसूद के चारखेड़ा गांव की रहने वाली पुनई मंडराई ने नौकरी मिलने से पहले बहुत संघर्ष किया। दिव्यांग पुनई मंडराई अपने चारखेड़ा गांव की एकमात्र लड़की है जिसे पटवारी के तौर पर सरकारी नौकरी हासिल हुई है। फरवरी माह से 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उसे खंडवा के खालवा में पदस्थ किया गया है। मजदूर माँ बाप की बेटी पुनई मंडराई जब गांव से पढ़ाई के लिए खंडवा आती थी तो गांव वाले उसकी गरीबी के साथ साथ लड़की होने के कारण पढ़ाई के नाम पर शहर की सैर सपाटे करने जैसे ताने तक मारा करते थे, लेकिन गांव वालों के ताने से पुनई के हौसलों को और भी बल मिलता था। लिहाजा पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका चयन पटवारी के तौर पर कर लिया गया। अब पुनई ने अपनी इस खुशियों को अकेले ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के साथ सहभोज कर मनाने की ठानी है, ताकि ग्रामीणों को ये संदेश दिया जाए कि बेटियां बेटे से कम नहीं होती। इसी क्रम में पुनई मंडराई ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर सहित समस्त राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया है। मन में ये भावना थी कि ये गांव वाले इतने ताने मारते हैं कि सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन मैंने एक उद्देश्य ठान लिया था कि सरकारी नौकरी क्या मैं डिप्टी कलेक्टर बन के बताऊंगी और संपूर्ण गांव के निवासियों को सामूहिक प्रतिभोज करवाऊंगी जिसमें मैं सभी को सादर आमंत्रित करूंगी। अब क्या लक्ष्य आपके? मेरा ये लक्ष्य है कि मैं डिप्टी कलेक्टर बनूं और देश की सेवा करूं और गांव वालों देश वालों को ये संदेश दूं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियां बेटों से कम नहीं होती है, बेटियां भी सब कुछ कर सकती है, ना कि बेटे ही सब कुछ कर सकते हैं। आज एक बच्ची आई थी हमारे पास जो कि फरवरी में ही पटवारी के रूप में सेलेक्ट हुई है। अपने गांव से इकलौती बच्ची है जो शासकीय सेवा में गई है, तो उसके लिए उसकी खुशी सामने ही दिख रही थी। उसने सभी अधिकारियों को अपने घर में इसके लिए भोज के लिए आमंत्रित किया है, तो हमारा एक प्रतिनिधि मंडल उनके यहाँ पर बधाई देने जरूर जाएगा। मुझे लगता है कि पुनई उन सब बच्चियों के लिए रोल मॉडल है जो कि वन ग्रामों में या आदिवासी अंचलों में निवास कर रही हैं और अपना पढ़ाई नहीं कर रही हैं, तो हम लोग इनको एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत भी करेंगे ताकि हम जहां पर पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं उनके सामने ये प्रस्तुत होंगी और बताएंगी कि जब ये किसी ग्रामीण क्षेत्र से आकर के अपनी मेहनत के दम पर संघर्ष करके शासकीय मुकाम पा सकती हैं तो अन्य बच्चे तो और आसानी से पा सकते हैं।